जिला मुबारक हो आपको सर। वैसे सुना है कि तेजपुर थोड़ा रफ इलाका है, मगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ डीआईजी वर्मा साहब हैं। थैंक्स। तो आप लोग चले, ट्रेन का टाइम हो गया और मुझे एग्जाम भी करना है। तुम सामान रखो। बेटा कैसा है तू? कल फोन क्यों नहीं किया? कितनी परेशान थी अनु। ये ले बात कर। मुझे नहीं बात करनी। क्या है बोलो। अरे बाबा फुर्सत नहीं मिली, कल ऑफिस का काम समेटते 12 बज गए। हाँ हाँ सब मालूम है, फिर सिगरेट पी रहे हो ना? तुम औरतों के नाक में टेलीस्कोप है, सिगरेट को तो मैं आजकल हाथ भी नहीं लगाता। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा बताओ क्यों फोन किया? मेरी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हो गई। सच? कहाँ? तेजपुर। तेजपुर? पागल हो गए हो? उस जंगली जिले में मैं नहीं जाने वाली। ठीक है फिर तुम माँ के पास रहो और मैं सारी जिंदगी गेस्ट हाउस की चपातियाँ खाता हूँ। मैं सब डिस्ट्रिक्ट के लिए अकेडमी का गोल्ड मेडल ही नहीं और कुछ भी चाहिए होता है। तेजपुर मुझे इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। नेचुरली इतनी वायलेंट जगह पे कौन जाना चाहेगा? अब आज कौन सी जगह वायलेंट नहीं अनु, तुम बेकार चिंता मत करो और जल्दी आने का प्रोग्राम बनाओ। इम्पॉसिबल अमित, तुम जानती हो मुझे खून खराबे से कितना डर लगता है, कितने खिलाफ थे मैं तुम्हारे आईपीएस के, और अब ये तेजपुर। अनु तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है, इट्स जस्ट जॉब यार, और कायदे कानून से काम करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। और तुम्हें पता है कि मुझे भी वायलेंस पसंद नहीं है अनु। सुनो अभी मना किया ना तो फिर पता नहीं कब डिस्ट्रिक्ट मिले, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहां बंगला है, बड़ा गार्डन है, यू गोना लव इट। कब जा रहे हो? अभी 5 मिनट में गाड़ी निकल रही है, सुबह 7 बजे डिविजनल हेडक्वार्टर मोतीपुर पहुंचूंगा, वहां डीआईजी अनुभव वर्मा से चार्ज लेकर सीधा तेजपुर। तुम अगले हफ्ते की रिजर्वेशन करा लो। ठीक है। ठीक ठीक क्या? कम ऑन चीयर अप अनु, ठीक से बाय बोलो वरना सारी रात यहाँ बैठा सिगरेट पीता रहूंगा और ट्रेन भी छोड़ दूंगा। What? पी रहे थे ना तुम सिगरेट? जानती थी मैं, आने तो मुझे वहां, ऐसा मजा चखाऊंगी कि बस। ओके बाय 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 बाय। एक आपके लिए भी बनाए सर? नो थैंक यू, बस एक छोटा वाला। थैंक यू। जहाँ तक हमारा अंदाज है डिस्ट्रिक्ट में पहला पोस्टिंग है आपका। जी आप लोग बिजनेस करते हैं? जी आप हैं नंद कुमार और हम सत्यशील, चीनी मिला हम लोग का। वैसे प्राइवेट में एक बात पूछें आपसे, ये आजकल जिला एसपी का क्या रेट चल रहा है? जी मैं समझा नहीं। भाई तेजपुर तो कमाई वाला जिला है, एक से एक माफिया है वहाँ पे, तगड़ा माल लिया होगा मंत्री ने। माफ कीजिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। आप बिना एसपी साहब, अरे पिछले साल ही तो वो लखीसराय एसपी है ना, बी प्रसाद, बी प्रसाद, उनका ट्रांसफर हम ही लोग फाइनेंस किए थे। अब क्या है ना कि हम लोगों का फैक्ट्री है वहाँ पे तो लेबर प्रॉब्लम बहुत रहता है। अरे उस टाइम लोकल एमएलए से लेकर होम मिनिस्टर द्वारका राय तक पूरे 50 लाख का खर्चा बैठा था। हाँ जी मुझे किसी फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो अमित सर, आओ बैठो, कम। थैंक यू सर। तेजपुर हमारे मोतीपुर डिवीजन के 6 जिलों में से सबसे बड़ा है, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। पिछले एसपी सीपी गुप्ता के साथ वहां बड़ा बुरा हुआ, नर्वस टाइप आदमी था, नया आईपीएस, भिड़ गया वहां के माफिया से, इज्जत भी गई और जिला भी। मगर तुम चिंता मत करो, वहां का डीएसपी भूरेलाल मेरा आदमी है, वेरी एफिशिएंट, सबको मिलाकर चलता है। तुम बस रिलैक्स करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो, मैं यहीं से सेटल कर दूंगा। सर तुम्हें पूरा फायदा मिलेगा मेरे अनुभव का, 70 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 70 इयर्स। जी मेरे फादर अंग्रेजों के पुलिस में भर्ती हुए हेड कांस्टेबल, 40 वर्षों में डीएसपी होकर रिटायर हुए। मैं डीएसपी में सीधा रिक्रूट हुआ 30 साल पहले,
एक एक सीढ़ी चढ़कर आज डीआईजी बना हूं। नीचे से ऊपर तक सभी के टच में रहता हूं। तुम बड़े लकी हो, मेरे जैसा अफसर तुम्हारा डीआईजी है। सर सब लगता है फ्यूल पंप खराब हो गया। देखो लगता है फ्यूल पंप खराब हो गया है सर। यहाँ कोई गैराज वगैरह है पास में? सर शिकारपुर थाना यही पास में है, वहां करवा लेंगे। वहां तक स्लो में गाड़ी पहुंच जाएगा सर। ठीक है। थाना आ गया सर। यही शिकारपुर थाना? जी सर, बहुत बड़ा एरिया है। भोलापुर से कोसी घाट तक यही एक सिंगल थाना है। ठीक है, तुम गाड़ी का काम जल्दी करो। जी सर। ए, ये तो एसपी साहब का गाड़ी लगता है। सर थाना इंचार्ज कहाँ है? सर वो जी सर सर खेत लुटावे की धानी। सर वो दरोगा जी अंदर मालिश करवा रहे हैं, उनकी पीठ में थोड़ा सा दर्द है सर। वो क्या है कि सर कल पेट्रोलिंग पर गए थे ना, तो नदी की साइड का रोड बहुत खराब है, तो वो मोटरसाइकिल पर सर वो आप इस तरह यहाँ पड़े, मान लीजिए हमारी जगह कोई डाकू होता तो? साहब डाकू को यहाँ पुलिस स्टेशन में कहाँ मिलेगा सर? क्यों, आपके हथियार वगैरह ले जा सकते हैं? साहब बंदूक राइफल तो उन लोगों के पास अपना ही एक से एक ऑटोमेटिक है, अपना 303 तो वैसे जाम हो जाता है सर। ऑफिस में आइए। यस सर। अरे दौड़ दे जरा बाजार पर, साहब के लिए फर्स्ट क्लास चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। जी जल्दी कीजिए। जी हाँ दौड़िए। यह आपका FIR रजिस्टर है? 3 महीने से स्टेशनरी खत्म हो गया सर, हेडक्वार्टर में रिक्वायरमेंट दे दी है सर। लेकिन इसमें तो पिछले महीने की 12 तारीख के बाद से कुछ भी नहीं लिखा। मगर सर हम सब नोट करके रखे हैं सर, बस फेर नहीं किए सर। आप FIR इसमें दर्ज करते हैं? सर इधर छोटा मोटा ही कुछ होता है सर, वैसे सब एकदम यहाँ शांति है सर। आप जानते क्या इलाके के बारे में? कभी बार भी जाते हैं आप? सर खूब टूरिंग करते थे सर, बस सर इधर हमारा जीप डाउन हो गया सर, और आज महीना भर से डीजल फंड में भी पैसा नहीं है सर। तो फिर काम कैसे चलता है यहाँ पर? सर पप्पू ठेकेदार का गाड़ी मंगा लेते हैं, और अगर इमरजेंसी होता है तो केजरीवाल पेट्रोल पंप का गाड़ी आ जाता है सर। हम सबसे रिलेशन बना के रखे हैं सर, इमरजेंसी में गाड़ी घोड़ा किसी चीज़ का तकलीफ नहीं होता सर। सर, सर ब्रेकफास्ट लगा दिया। चला जाए सर। सर हो गया? नहीं सर 2-3 घंटा और लगेगा। पप्पू ठेकेदार का गुड वार्निंग लिया जाए सर। आप तो कह रहे थे डीजल पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं है, फिर इतना शाही नाश्ता कहाँ से है? जी वो शिकारपुर को इतना भी बैकवर्ड मत समझिए सर। जी हाँ सर। और सर हमारे रहते हुए यहाँ आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बस कहाँ जा रही है? तेजपुर डिपो में जाएगा सर। इसको रुकवाइए। जी जाइए। यस सर। ए! तुम लोग गाड़ी बनवा के आओ। सर हमारा गाड़ी ले लिया जाए सर। एक पीस लिया जाए सर, एकदम फ्रेश है, खास आप ही के लिए बनवाए हैं सर। सर सर नाइट हाल्ट होता तो हमें आपकी स्पेशल सेवा का मौका मिलता। ए साहब ध्यान से है, चल जी जो चले बराबर, चल चल चल। टिकट देना तेजपुर का।
बाल बच्चे दार हैं मुझे। आपसे पैसा लेंगे तो जूता से मारेगा मालिक, और नहीं लोगे तो हम आपकी गाड़ी से उतर जाएंगे। दो जूता आप ही मार लीजिए हजूर, लेकिन ये पाप हमसे मत करवाए। लगता है चेकिंग चल रहा है सर। किस चीज की चेकिंग? वही सर, चौकी पर का पुलिस पार्टी, हम एक मिनट पटा लेते हैं। अरे अमू साला हाफ पैंट हो गए। अरे जब हजूरे बैठे हैं गाड़ी में तो इसको कौन रोकेगा? मारिए लंबा सायरन और निकालिए साइसन। खबरदार जबान खोली तो, तुम लोग बिल्कुल नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। अरे उधर नीचे उतर, चलो साहब के पास, चलो चलो हटो रास्ते पर से। क्या आफत है, चलिए अपना अपना गठरी मोटरी ब्रीफकेस सब बाहर निकालिए, चेकिंग हो रहा है। किस चीज का चेकिंग हो रहा है भाई? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, बैठिए अपना जगह पर। ठीक ही तो सवाल किया है, जानने का अधिकार है उनको। अरे पैंट सूट पहन लिए तो लगे इंग्लिश छाटने, पुलिस को पावर है चेकिंग का, समझे कि नहीं? अरे सामान किसका? आपके ऑफिसर का है। क्या बात है, बैठे हैं नाका पर। अरे जल्दी करो राम खिलावन। अरे ये किसका है? बोलो इसको। माफ कीजिए दरोगा साहब, ये चेकिंग किस चीज की कर रहे हैं आप? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सर। अरे चतुर्भुज, क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन का? ये सवाल जवाब बहुत करते हैं सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं पास से ही। कहाँ जाएंगे? देखिए दरोगा साहब, मैं बस सवाल हम करेंगे, तुम जवाब देगा बात। दरोगा मंगीराम है नाम हमारा। अरे दो मिनट में कायदा कानून घुसेड़ देंगे, समझा कि नहीं? दरोगा का पावर मालूम है ना, एक मिनट में अंदर कर देंगे। अरे सड़ जाओगे बिना चार्ज के, यही खड़े खड़े सब सूट पैंट गीला हो जाएगा। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि किस चीज की चेकिंग होगी, बहुत दिक्कत होती है पैसेंजर्स को। अरे चतुर्भुज सर, ले चलो इसको, इसका खिलाफ लिया जाएगा। बात का देवता नहीं है, लात का भूत है ये। एक मिनट, एक मिनट, आप अरेस्ट कर रहे हैं मुझे? तो कहाँ अर्थ उतारे आपका? अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पहचानते नहीं आप लोग, ये देशपुर के नए SP साहब है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। एकदम साहब को भी नहीं पहचानता है, गलती हो गई साहब, आप ही भगवान है, माफ कर दीजिए साहब, बर्बाद हो जाएंगे, एक बार माफ कर दीजिए को। गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए साहब। अरे हमसे गलती हो गई, फिर नहीं करेंगे। एक मिनट, पहले ये ड्रामा बंद करो, एक कागज देना, सादा पेपर। हमारा पास आया जोर, लीजिए लीजिए लीजिए। सब इंस्पेक्टर मंगनीराम जी, आप मुझे अपना स्टेटमेंट लिख के दीजिए कि मैं आपको सस्पेंड क्यों ना करूं। समझिए साहब, जितना रोगे दरोगा मंगनीराम उतना ही ज्यादा लिख के देना पड़ेगा। माफ कर दीजिए साहब, अरे साहब मेरी मती मारी गई थी साहब। हमारे पुलिस स्टेशन ठेकेदार चला रहे हैं, हमारी गाड़ियां पेट्रोल पंप वालों की दया पर चलती हैं, हम खुलेआम घूसखोरी और धांधली करते हैं, हमारे काम करने के तरीके अपराधियों से भी बदतर हैं। मैं जान सकता हूं हमने ये नौकरी क्यों की, किसकी सेवा कर रहे हैं और जनता हम पर विश्वास क्यों करे। मैं जानता हूं इस तरह के भाषणों का आप लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप सब लोग एक बात समझ लें, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। आप लोग कायदे कानून, पुलिस मैनुअल्स और अपनी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं गैर कानूनी और गलत तरीके कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सब लोग अपना अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे, और ये बात मुझे नहीं जनता को पता चलनी चाहिए। सर हमने आपका पूरा स्पीच सुन लिया है, यही बाहर ही खड़े थे सर, हमारी आंखें खुल गई हैं सर, अब हम कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे सर। अच्छी बात है, थैंक यू सर। अरे आपने हमको माफ कर दिया, अब हम सच्चा बन के दिखाएंगे, बेस्ट दरोगा का मेडल लेंगे आपसे सर। एक मिनट, एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई माफी वाफी की बात नहीं की है, आपसे सफाई मांगी थी लिखत में, जो अब तक आपने मुझे नहीं दिए। कैसे लिख के दे सर, हमरा तो हाथ ही कट जाएगा ना, लास्ट चांस दे दीजिए सर, बाल बच्चा दुआ देगा आपको। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप लिख कर नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए सर, अपने ही हाथ से हमरा मौत का वारंट लिख दीजिए।
बैकवर्ड जात से हैं, इसीलिए आज ऐसा हाल है हमरा। साला 3 लाख का कर्जा लेकर घुस दिए थे अपने ही जात के मंत्री को, तो बहाली हुआ था, आज तक चुका रहे सर। और यहाँ हमारा साथी लोग करप्शन में हमें बीए पास कर गए। दरोगा आर के सिंह को देखिए, अरे 3 साल में रंगदारी का शेर से 2 तल्ला मकान ठोक लिया तो कुछ नहीं, हम बैकवर्ड जात से इसीलिए। बिना प्रूफ के फालतू बकवास मत कर। स्टॉप इट। आरके सिंह बैठो, देखिए क्या बक रहा है। क्या बक रहा है साहब? मंगनी बाहर आओ। बैठो। सॉरी सर, मगर आप सोचिएगा, 50 जूता मारिएगा, कोई डिफेक्ट हो हमारा बात में तो सर। मंगनी बैठो, बैठो, हम देखते हैं। बैठो बाहर आओ। अरे साधु यादव का सपोर्ट से बड़ा शेर बनते हैं। फालतू बात मत करो। फालतू बात, हम शेड्यूल है तो। अरे इससे तो बात ही करना बेकार है। मंगनी क्या कर रहे हो? चुप, साहब के सामने। आई विल नॉट टॉलरेट दिस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये इनडिसिप्लिन। गुंडे लगते हो एकदम। वो तो मैं हूँ ही। छोड़ो, नहीं तो क्या कर लोगी? पुलिस बुलाऊंगी, FIR ठोक दूंगी। अच्छा, थानेदार हूँ मैं यहाँ का, उल्टे अंदर हो जाओगी बिना चार्ज के। चलो हटो। अरे सर, आपका वजन हल्का लग रहा है। कलेक्शन कम हुआ है सर। कम हुआ? नुनुआ तो हमको और कुछ बोला। तो जाके उसी से ले लो। क्या मतलब? अरे अरे, का है बाउंडर मचा रहे हो भाई? हम कहा बाउंडर मचा रहे हैं DSP साहब? एक तो सस्पेंड है, ऊपर से साला शेयर में भी कटिंग। खाली फोकट मिल जाता है ना। खाली फोकट का बोले? आरके, इस बात को लेके कंफ्यूजन है ना कि नुनुआ साला गलत पिक्चर दे रहा है, उसे मिलके हिसाब किताब क्लियर कर लो। सब हिसाब किताब क्लियर है सर। क्लियर? लगता है साला बेचैन हो गया लाल टोपी। जय राम जी के सिंह साहब, अपने काहे तकलीफ किए? कोई कुत्ता भेज दिया होता अपना, हम हाजिर हो जाते। दलावाजी बनकर साला, बहुत हो गया तुम्हारा दोगला पंथी। अरे सरकार बैठी है तो काहे फायर होते हैं? DSP साहब को कैसे पता चला हिसाब किताब का? आप बोल रहे हैं दरोगा साहब, गर्दन काट के गंगा माई को चढ़ा देंगे जो कुछ साबित कर दे कि नोनुआ का जवान कहीं खुला हो। चौधरी मथुरा को तो साला होना ही था। आपस में बेईमानी ठीक नहीं यार किसी, बहुत गलत किए तुम। ये तो साला मर गया। यहां से निकल और हाथ पर समेट के बैठ थोड़ा टाइम। नहीं SP कोई बवाल तो नहीं ना करेगा DSP साहब? हम हैं ना, और इसको छोड़ दे यहीं पर। शिवरात्रि पर साधु यादव के जलसे में आना ही पड़ता है। हमारी श्रीमती शिव भक्त है भाई, इंतजाम भी जबरदस्त करते हैं साधु यादव। मिले हो कि नहीं उनसे? नहीं सर, मैं नोनुआ को लेकर इधर बिजी हूं। क्या प्रोग्रेस है नोनुआ केस में? होम मिनिस्टर द्वारकाराय का फोन आया था, बोल रहे थे दरगाह को डाकू मर्डर कर दे। क्या मुंह दिखाया गया विधानसभा में? अरे अमित, 2-4 अरेस्ट करवा दो, एक आध समझे ना। Oh,
बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आओ भोले लाल बच्चा। प्रणाम बाबा। आओ तिवारी, सुखी रहो। प्रणाम बाबा। आओ आओ, खुश रहो खुश रहो, बने रहो। आरती लीजिए इस साहब, भोला बाबा का मंदिर में फर्स्ट टाइम आए हैं आप, आज महाशिवरात्रि है, श्रद्धा से जो मांगेंगे वो मिलेगा। डराई तो कीजिए, भोले बाबा बड़ा दानी है, उसको मालूम है इस टाइम में आपको सबसे ज्यादा किसका जरूरत है, मांगिए तो सही, हर्ज क्या है। कम ऑन रोहित, मांग लो, क्या पता नुनुआ तुम्हारे हाथ लगी जाए। वो तो लगेगा ही सर, क्योंकि नुनुआ और उस जैसे अपराधी चाहे किसी भी भुलावे में रहे, ईश्वर उनकी रक्षा नहीं करेगा। सर, मर्डर के रात में वहीं आया था, यही है चंडी साहब, गल्ला का व्यापारी, इसका लेन देन था उसके साथ। सर कुछ बताया? नहीं सर, कुछ बोल नहीं रहा। बाकी सबको लेकर तुम थाने चलो, इसको यहीं छोड़ दो। सर चल, लेके चल। हमको भी ले चलिए साहब थाना, हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ। सर देखिए साहब, ये ठीक नहीं है। हमको भी थाना ले चलिए, हमारा कोई गलती नहीं है सर। नुनुआ आया था यहाँ? यहाँ से गया कहाँ? कुछ नहीं बोला सर, रात में ही निकल गया। सर हम बच्चा कसम कहते हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, उल्टे हमारा सारा कैश ले गया सर। थाने चल के बयान दो। सर कौन लोग हैं? सर उसी के गैंग से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। कुछ बताया? नहीं सर, अभी ठीक से पूछा नहीं है। नाम लिखिएगा और पता नोट कीजिएगा सबका। जी, नाम बोल। लक्ष्मण पांडे। कहाँ रहता है? इसी गांव में। और तू रे? हजूर हजूर, हमारा कुछ लेना देना नहीं है हजूर, पंसारी का दुकान लगाते हैं हम बड़ा बाजार में। सर इसका बेटी जवान है सर, उसका उठना बैठना था ननुआ के साथ। कहा है तिवारी बाबू, हजूर साल भर से ऊपर हो गया है हमारी बिटिया का शादी होके, वो तो कहीं अपने घर सुल्तानगंज, अब कहाँ आना जाना है नुनुआ का। सख्त पे गिरफ्तार किया है सर, डीआईजी साहब का हुक्म था, कल मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। अपने बच्चे का कसम खाते हैं सर। बस बस सर, क्या करें लोग का, छोड़ दो, जाने दो सबको। जी सर। प्रणाम बच्चा भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम। जीता रहे जीता रहे। कहाँ है बच्चा? बेटा कैसा है तुम्हारा? सब ठीक है बाबा। इतना रात में बुलाए तुमको, काहे कि एक सौगात भेजना था तुम्हारे एसपी साहब को। या आपके पास बाबा? वो इंस्पेक्टर आर के सिंह का मर्डर करके हमारे ही पास आए थे ना, 12 दिन से ससुर को बैठा के खिला रहे हैं, अब इसका टाइम आ गया है। तू हमारा बच्चा है इसलिए तुमको मौका दे रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल करके सबका फायदा, एसपी का भी, तुम्हारा भी और हमारा भी। जिंदा ले गया तो साहेब छोड़ेंगे नहीं इसको, सारा रामायण बकवा लेंगे, सत्यानाश हो जाएगा डिपार्ट का। तो चटका दे साले को, ले जाने में भी आराम रहेगा। क्या सोच रहा है? ये तो मुद्दे लगा सारा।
चाय बाबा, चाय पी लो बच्चा, ठंडा हो जाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर बच्चा यादव बोल रहे हैं। सरैया पुल के पास अचानक नोनुआ और उसके 4-5 लोग एक साथ हमला कर दिए। हमारे तरफ से भी फायरिंग हुआ। 12 राउंड, 2 अपराधी मारे गए और बाकी भाग गए। डेड बॉडी लेके हम आ रहे हैं। नुनुआ मारा गया? कहाँ मारा गया? लोग बोल रहे हैं। कहाँ नुनुआ मारा गया? अरे नुनुआ मारा गया। हाँ? तुमने तो कहा था नुनुआ बॉर्डर पार चला गया है, फिर इतना बड़ा काम कैसे हो गया? हमको तो यही खबर मिला था सर। पता करो बच्चे यादव के हाथ कैसे लगा वो। सर यार बस बस हटो हटो यहाँ से हटो। सरैया पुल जैसे ही पार किए कि अचानक ये सब कितने बजे हुआ? यही कोई 2:30 बजे का टाइम रहा होगा। कोतवाली में ही रखवाया है सर। हमको तो एनकाउंटर खबर रात को ही मिल गया था सर। कमाल हो गया एसपी साहब, इतना फास्ट रिजल्ट तो बम्बई का पुलिस भी नहीं देता है। सचमुच ये मिश्रा जी। प्रणाम। नमस्ते सर। कैसे डॉक्टर जी? ठीक है। नमस्ते मंत्री। प्रणाम। राजगढ़िया सेठ, धंधा पानी तो ठीक चल रहा है ना? कृपा है आपकी। इसको कहते हैं रिजल्ट। देखा डी आई जी वर्मा साहब, ये है हमारा आदमी। आपने तो नकली लोगों को गिरफ्तार करवाकर हमको खबर कर दिया। हमारे अफसर ने तो असली डाकू को ही साफ कर दिया। वो तो है ही। अमित कुमार आते ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। हमने जब इनको यहां भेजा था तो इन्हें बस एक ही ड्यूटी दिया था कि हमारे तेजपुर को अपराध और करप्शन के डबल कैंसर से मुक्त करवाइए। और आज इन्होंने हमारे विश्वास को 100% रखा है। हम इस मंच से आज ये ऐलान करना चाहते हैं कि अगला 26 जनवरी को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल अमित कुमार को मिलकर ही रहेगा। इतने कम समय में अमित कुमार ने जो सफलता प्राप्त, पता लगा? हम ट्राई कर रहे हैं।
तुम टराई करते रहो, यहाँ कल का छोकरा हीरो बन गया। नहीं सर, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। दरअसल इस सफलता के असली हकदार बच्चा यादव है। अरे हाँ हाँ, सिपाही तो लड़ते ही हैं, मगर जीत का मेडल तो सेनापति को ही मिलता है ना। पीपरा डकैती कांड केस तुम्हारे हाथ में 7 अप्रैल को आया और 13 मई तक तुमने 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके केस सॉल्व कर दिया। रानीगंज डबल मर्डर, हत्या में शामिल दोनों रिश्तेदारों को 72 घंटे में हिरासत में लिया। सराय टोला रेप केस, नाथोपुर हत्याकांड, नैनगढ़ जालसाजी का मामला और ये बाकी के 18 केस जो तुम्हें दिए गए और तुमने उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। एक्सलेंट, अपनी समझ और लगन से ज्यादातर केस सॉल्व किए। उनकी छानबीन और जांच में प्रोग्रेस हुई और जहां तक मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की बेईमानी नहीं हुई। गुड, इन्हें देखकर कोई शक नहीं होता कि तुम एक अच्छे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इन फाइलों पर जाती है, मेरी समझ धोखा खा जाती है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कैसे पिछले 7 सालों में तुम्हारा ट्रांसफर इस जिले के बाहर हुआ ही नहीं। कैसे साधु और सुंदर यादव के सभी केसेस और मामले तुम्हें ही सौंपे गए और कैसे उनके किसी भी मामले में लगभग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यहां तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को क्या हो जाता है। नोनुआ, तुम्हें साधु यादव से मिला था ना? सर, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तुम तो यह भी नहीं समझोगे कि जिस चीज से मुझे सख्त नफरत है, आज तुम्हारी वजह से उसी काम के लिए मुझे जबरदस्ती हीरो बनाया गया। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी इस धोती बहादुरी से मिले तमगे के एहसान तले मैं अपनी निगाह तुम्हारी करतूतों से हटा लूंगा तो यह तुम्हारी भूल है बच्चा यादव। सर आप क्यों करते हो तुम साधु यादव के लिए काम? क्या लगता है वो तुम्हारा? नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं सर। नोनुआ के बदले क्या दिया है तुमने उसे? अपना ईमान या फिर मुझे बेचने की कोशिश की है? सर वो हम समझ नहीं पा रहे हैं सर। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम नमक तो पुलिस का खाते हो लेकिन उसका हक अदा करते हो साधु यादव को। सर आप, सर हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। बच्चा यादव, ईमानदारी और बहादुरी की कदर करता हूं मैं, लेकिन अंधा नहीं हूं। नोनुआ कांड में जो तुमने किया वो कायरता है और इस तरह का चरित्र मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सच चाहिए और वो तुम मुझे बताओगे, अंडरस्टैंड? और तुम क्या सोचते हो, तुम उसकी जात वाले हो तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा? ऐसे लोग ना जात देखते ना खून देखते, बस अपना मतलब। जब अपनी शरण में आए नोनुआ को उसने बेच दिया तो क्या गारंटी है कि जैसे ही उसका मतलब सिद्ध हो जाएगा वो तुम्हें नहीं नीलाम करेगा? जा सकते हो तुम। ये लो। साधु बाबा पहले हमको दीजिए, हम सस्पेंड में। अरे हाँ, मांग नहीं रहा तो 2 पॉकेट ले। शाबाश, ये लो। क्या हो रहा है ये सब? हमरे भोले बाबा ने आपका सच्चा भक्ति का मनोकामना पूरा कर दिया एसपी साहब। कितना फख्र की बात है देशपुर के लिए, आपको मेडल मिलेगा। उसी खुशी में हम प्रसाद बांट रहे हैं। आइए सर, आइए। फौरन बंद करो ये सब। और किसने तुम्हें इजाजत दी यहां ये नौटंकी करने की? एसपी साहब, बेताज बादशाह हम तेजपुर के, यहां हम इजाजत लेते नहीं देते हैं। जितनी जल्दी हो सके नए कायदे सीख लो साधु यादव, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हमने सोचा था तुम समझदार आदमी हो एसपी, तुम्हारी तरक्की के लिए हमने काकुछ नहीं कर दिया, इतना बड़ा सौगात तक भेज दिया,
मगर हम गलत थे। तुम हमारे दोस्ती के काबिल नहीं। चलो सर। अरे हमको को तो पहले से ही शक था कि यह साधु यादव की करामात है। एसपी क्या कर रहे अभी? सर बच्चा यादव को बुलाया है कमरे में। पता करो क्या हो रहा है। सर कहा था ना मैंने तुमको, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। ओ सर। इंस्पेक्टर बच्चा यादव, मुझे पूरी रिपोर्ट और तुम्हारी स्टेटमेंट चाहिए, और जब तक वो तुम दे नहीं देते दूसरा कोई काम नहीं करोगे। हेलो, अमित को फोन दो। जी सर, डीआईजी साहब है लाइन पर। सर बहुत अच्छा किया तुमने अमित, साधु यादव के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ब्लडी रोग सर। क्या रे अभी पता चला? साधु यादव का इंसल्ट, डिपार्टमेंट में ऐसी बात कहां चुपती है। खैर वो बच्चा यादव के साथ क्या कर रहे हो तुम? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है सर, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। लेकिन सोच समझ कर करना, मंत्री खुद तुम्हारी पीठ ठोक चुके हैं। नोनवा कांड की सच्चाई सामने आई तो डिपार्टमेंट के साथ उनकी पोजीशन भी खराब हो जाएगी। सर तुम बच्चा यादव का कन्फेशन ले लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। जरूरत पड़ने पर जरूर बात करूंगा सर। सर इंस्पेक्टर बच्चा यादव को ऑफिस से मेमो भी दे दें? आप देना चाहते हैं? नहीं सर, वो आप ही ने तो इसे ड्यूटी से मना किया ना। डीएसपी भूरेलाल जी, इनके साथ जो करना मैं कर रहा हूं, आपकी जरूरत होगी तो बताऊंगा। सर ये मैं देख लूंगा सर। और सुनिए, डीआईजी वर्मा को यहां की खबरें बताना, और बिना इजाजत मेरे कमरे में आना मुझे पसंद नहीं है। आइंदा से ध्यान रखना सर। तुम जा सकते हो। सर सर प्रणाम भैया। प्रणाम बच्चा भैया। प्रणाम भैया। भट्टी के धंधे में माल अच्छा है सुंदर भाई, लेकिन ये काम हमारे पास का नहीं है, समझ क्यों नहीं रहा है? तुमसे कौन बोलता करने को, तुम खाली फाइनेंस करो बस। तुम्हारे एसपी को फिट करना पड़ेगा, बहुत बचर बचर करता है साला। कुछ बात करना था आपसे सुंदर भाई। हाँ बोल, क्या बात? चल। डाउट हो गया साहेब को, बाबा सबके सामने बोल दिए हमारा नौकरी पर तो आफत आ जाएगा सुंदर भाई। तो क्या हुआ, नौकरी दिलवाए भी तो बाबा ही थे ना। तो फोकट में चिंता मत कर, ये एसपी ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। सुंदर भाई ये ददुआ क्या कह रहा है मेरी समझ में? बिल्कुल ठीक बोला उसने, देखो पैसा तुम्हारा लेबर हमारा 50-50। लेकिन सुंदर भाई आप ददुआ ने तो बोल दिया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। आइए, सबेरे से पी रहे हैं। मंगनी, अरे आप बाहर कहे खड़े हो, अंदर आओ ना। ये काहे आया यहां? हमारे साथ आया है, कुछ बात करना है तुमसे। हमसे क्या बात करेंगे आप, यहां टोटल फ्यूज हो गया है, पता ही नहीं ये साला की नौकरी सेन है कि आउट, ना चार सीट ना ड्यूटी, दर्शंकु हो गए साला, क्या बात करेंगे आप? अब बस भी कीजिए, कितना ढारेंगे? लेक्चर मत झाड़िए, गिलास लाइए तीन ठो। गिलास लाइए नहीं, उठाइए। अभी जी चाय बनाइए गर्मा गर्म। क्या बात है? एसपी साहब मानने को तैयार नहीं है, नौकरी चला जाएगा। बच्चा भाई अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे भाई रामायण बंद कीजिए और डायरेक्ट पॉइंट पर आइए। अरे भाई ट्रांसफर करवाना है मंगनीराम का, भूरेलाल जी लेके गए थे डीआईजी साहब के पास। 2 लाख का डिमांड किया वर्मा जी,
तो सुने तुम भी ट्रांसफर करवा रहे हो, साधु बाबा से बोलते तो साथ में हमारा भी। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं, कहा समझ रखा है हमको दलाल? अरे खाकी वर्दी वाले हैं हम, पुलिस वाले। पुलिस वाले हैं तो खौफ में काहे नौकरी करते हैं, एक क्षण का चैन नहीं। कभी गुंडे का डर, कभी इज्जत का डर, कभी साहेब का डर, हर काम में खतरा। काहे करते हैं ऐसा नौकरी आप लोग? बाबा कहाँ हैं? बैठे हैं गार्डन में। जल्दी कुछ कीजिए बाबूजी, जिनाया आज पिट गया तो बहुत मुश्किल करेगा, आफत कर रहा अपने आदमी लोग पर। बच्चा का बात कर रहे हो? आया था कल हमारे पास, बहुत ही बौखलाया हुआ था। मरने तो साले को, हमरा ही पाला हुआ कुत्ता है, आखिर किस दिन काम आएगा। तुम अपना बिजनेस का फिक्र करो, वो PWD वाला टेंडर का काम है। कल 4 बजे जाएंगे। काल है बच्चा यादव, सुने वर्दी उतार दिया ने एसपी? बच्चा आया? अरे आओ आओ बच्चा, का हाल है? क्या का है? सब ठीक है बाबा। का हुआ? अरे इतना टेंशन में काय हो? अरे कुछ नहीं होगा तुमको, हैं? हम है ना, ले और जरूर पड़े तो बोल देना, ले। बस बाबा, आपका दिया सब कुछ हमारे पास, अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया। प्रणाम सुंदर भैया, तरन का आवाज सुनते ही रेडी कर दिए थे। कार्य कैसे? क्या टेंशन है बाजार समिति भवन का टेंडर में? कुछ नहीं भैया, वही पुराना राग, खुमचा फेरी वाला सब यूनियन बना के टेंडर भरा है, बिल्डिंग बनाएगा। माधव जात, कितना चूना डाला रे बंशी, मुंह कट गया साला। थूक दीजिए सरकार, दूसरा तैयार कर देते हैं। तुम पहुंचो PWD के ऑफिस में, टेंडर का टाइम हो गया है। टेंडर खोलिए भाई, टेंडर। इंजीनियर, अरे काम उन्ना ठाकुर, काहे गला फाड़ रहे हो? इंजीनियर बहुत कानून बतिया रहा है साला। यूनियन का टेंडर है 27,56,000 और दूसरा टेंडर है। और सुंदर कंस्ट्रक्शंस का 30,35,000 और इस भवन का ठेका दिया जाता है सुंदर कंस्ट्रक्शन को। लगाइए मोहर। देखिए ये जायज नहीं है। जो बोला है वो करो इंजीनियर, नहीं तो आपको बना देंगे हम टोटल नाजायज, समझे? देखिए हम ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत जब से टेंपुर ज्वाइन किया है तब से देख रहे तुम्हारा नौटंकी, बहुत कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ने लगे हो, कानून छाड़ोगे मदर जात? तेजपुर में तुम्हारी चलेगा, याद रखना सुंदर कंस्ट्रक्शन। रविदास, मैंने ही फोन किया था आपको, यहाँ से अखबार निकालता हूँ, तेजपुर एक्सप्रेस। आ,
एक्सरे निकाला है, बायां पसली में चोट जरा ज्यादा है। आपने पुलिस को स्टेटमेंट देने से मना क्यों कर दिया? एक्सीडेंट हो गया था एसपी साहब, अब उसमें पुलिस कंप्लेंट क्या करना? देखिए, अगर आप ही पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं एसपी साहब, हम सीढ़ी पर से गिर गए थे। खान, इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करो और कोशिश करो इनसे बात करने की। सर। और देखिए, जब भी आप बात करना चाहें या स्टेटमेंट देना चाहें, बेहिचक मेरे पास आइए। दर्द में कुछ कमी आई? सर, यह एक्सीडेंट की चोट नहीं है, मुझे सही रिपोर्ट चाहिए। सर। अरे संपादक जी, काहे ओवर टाइम कर रहे हैं? जाने दीजिए साहब को, अभी तो सेटल भी नहीं हुए ठीक से। ये सेटल होने वाले साहब तो नहीं लगते भूरेलाल जी। जितने भी केस सुंदर यादव के खिलाफ हैं, उन सब की रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर। मैं अमित कुमार, यहाँ का एसपी। जी। आपकी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? हमारे रिश्तेदारों के यहाँ गई है। वो हमारे भाई लोग हैं गुजरात और राजस्थान में, वहीं गई है। आप सुंदर यादव को जानती हैं? नहीं, हम किसी सुंदर यादव को नहीं जानते। हमने कोई कंप्लेन नहीं किया है। अरे क्यों साहब से गलत सलत बोल रहे हैं आप? हम कहाँ गलत सलत बोल रहे हैं? बोल दिया ना, कुछ नहीं कहना हमको, आप लोग जाइए बस। अरे मान, कोई जबरदस्ती नहीं है। माँ झूठ बोलती है। रवि, झूठ बोलती है माँ। मैं जानता हूं रवि, लेकिन वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए झूठ बोल रही है। वो डरती है कि तुम्हारी दीदी के साथ साथ सुंदर यादव कहीं तुम्हें भी। वो मां है ना, इसलिए डरती है। मैं उसका यही डर तो दूर करने आया हूं, लेकिन वो मेरा विश्वास ही नहीं करती। आप मेरी दीदी को ला देंगे ना? जरूर ला दूंगा, अगर तुम्हारी माँ चाहे तब। क्या करें अब, बोलिए, अकेला औरत लाचार, बेटी को तो ले गया, इसको मार देने का धमकी दिया है। पुलिस वालों का क्या भरोसा, बिरादरी का भी कोई सामने नहीं आता। आप बस रिपोर्ट लिखा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है। ए बचेंगी, ओ रघू, बंद कर दे के, कोई अंदर ना आने पाए, बंद कर दे। अरे बंद कर दे, बंद कर, बंद कर दे। चलो चलो, मुश्किल करेगा इस साला साहब। मैं साहब को खबर करता हूँ, तुम कोतवाली तिवारी को फोन करके और फोर्स मंगवाओ। गेट खोलो मुन्ना ठाकुर, बवाल मत खड़ा करो। ऑर्डर नहीं है साधु बाबा का। काहे इतना हल्ला हो रहा है गेट पर? नया नौटंकी आया है टाउन। क्या बात है? सर गेट नहीं खोल रहे। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो। घेर लो चारों तरफ से। उधर से जा। सर्च करो और निकाल के लाओ सुंदर यादव को। बहुत जल्दी में है लगता है। उधर देख। अरे बैठिए ना। सुंदर यादव कहाँ है? बहुत भोला बनते हैं आप भी। अरे इतना टाइम बैठ के आपका वेट करेगा? उधर आपने अरेस्ट का ऑर्डर किया?
इधर आप ही के हेडक्वार्टर से हमको भी फोन आ गया। सर वो निकल गया सर। सॉरी आपका काम नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पधारे हैं हमारे गरीब खाना पर, चाह तो पी के जाइए, अच्छा बनाती है हमारी वाइफ। किसने कह दिया आपसे कि हम यहां से जा रहे हैं? 24 घंटे हमारे आदमी यहां रहेंगे, उनकी इजाजत के बिना आप हिल भी नहीं सकते। तो आप हमको घर में अरेस्ट कर रहे हैं? अब तो आप बस देखते चाहिए हम आपके साथ क्या करते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे इस भी, तुमने जैसे कई आए और गए, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सके। इस गलतफहमी में मत रहना साधु यादव, जब जिस दिन जरूरत पड़ी घसीट के कोतवाली लेके जाएंगे। और याद रखना हमारी चाय बहुत कड़वी होती है। सर प्लीज हमको एक्शन लेने दीजिए, हमारा रिपोर्ट पक्का है, आदमी जिला के बाहर का था। तुम ऑफ ड्यूटी हो बच्चा यादव, अपना रिपोर्ट तिवारी को दे दो। ड्यूटी बाद में देखा जाएगा, ई साहब पर अटैक का मामला है सर। ज्यादा उत्तेजित होने का जरूरत नहीं है बच्चा यादव, यहाँ बहुत सारे काबिल अफसर लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट एक आपकी वजह से नहीं चल रहा है, समझे? सर तो हमको फिर सस्पेंड का नहीं कर देते? वो हमारे पावर में नहीं है, ज्यादा लेफ्ट राइट करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। आप ड्यूटी पे नहीं है, आप जा सकते हैं। साहब को देखने आए थे, अभी सो रहे हैं। ठीक है, प्रणाम। क्या बात है? अब बर्दाश्त नहीं होता सर, ऐसे जिंदा नहीं रह सकते सर। कोर्ट मार्शल कर दीजिए, नहीं तो एक चांस दीजिए। घर से बाहर तक जितना आंख उतना सवाल,
और हमारे पास एक जवाब नहीं है सर। हमसे गलती हुआ है मगर हम गलत आदमी नहीं है सर। सीना ठोक के नौकरी की है आज तक, कोई माइकल लाल एक नया पैसा का इल्जाम नहीं लगा सकता। बस एक चांस दीजिए सर, अब ड्यूटी में कोई डिफेक्ट निकले तो उसी टाइम रिजाइन ले लीजिएगा। उठा लो फाइलें। अगर तुम जानते हो कि वो गलत है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक रिस्क ले रहा हूं, मुझे लगता है कि बच्चा यादव अंदर से गलत आदमी नहीं है। भरोसा कर सकते हो उस पर? पता नहीं, लेकिन एक मौका जरूर दूंगा उसे। पिडांबा, क्या बात है बच्चा, सब ठीक तो है? पुलिस को पता चल गया है, फौरन निकाल लूंगा सुंदर भाई को। सुन, तू खुद चला जा भवानीपुर, उसको बॉर्डर पार करा दे। जी बाबा। प्रणाम। ऐसे कब तक बैठी रहेगी? अरे पहले ये कपड़े साकल सूरत ठीक कर, नहीं तो काट देगा सुंदर। बात है, फिर मगज में गर्मी चढ़ गया का? देख, तुम्हारे लिए इतना बड़ा जलसा करवाए ददुआ, और तुम नहीं जाओगी तो कितना इंसल्ट होगा ददुआ का, हमरा। बोल, चल चल, थोड़ा टाइम करे, चल। हम कहे ना, हम नहीं जाएंगे। कहे नहीं जाएंगे?
यादव आए हैं। हम आते हैं। बहुत गलत टाइम पे आए हो बच्चा। सही बोल रहे हैं, पुलिस को पता चल गया है। पुलिस यहाँ कुछ उखाड़ नहीं सकती। अरे चौधर की जैसा बात मत कर, एसपी पर अटैक हुआ है। डिवीजन से खुद स्पेशल फोर्स लेके निकला है, कुत्ते का जैसा मारा जाएगा सब। सुंदर भाई पर खतरा नहीं ले सकते, चलिए। जाएंगे किधर से? भैरवगंज से पीपरा का रास्ता पकड़ लेंगे, हम बॉर्डर पार करा देंगे। दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा, उस रास्ता पर गाड़ी नहीं जा सकता। जरूरत क्या है, हम अपनी मोटरसाइकिल पर ले आएंगे। जल्दी कीजिए भाई। चिंता मत कर, बच्चा अपना भाई है, तुम बस हमारे सामान का हिफाजत करना, ठीक है? चल। रुक। ठीक है, तुम तो पीपरा का रास्ता देने को बोले थे। ददुआ को उस रूट का पता चल चुका है, उस साले का भरोसा कीजिएगा, भड़ुआ है साला, कोई भी खरीद सकता है। बिक तो कोई भी सकता है। शौक से रखिए, आज तो नमक का सही अदा कर रहे हैं, जान भी चला गया तो कोई परवाह नहीं।
चल। ये कहां ले आए? मिल में बात कर लिए थे, अपने आदमी का ट्रक निकलेगा आज, उसमें बॉर्डर पार करा देगा आपको। अच्छा, चौबीस घंटा में बाहर आ जाएंगे, रिकॉर्ड है हमारा, समझे? नहीं, ले जाओ। चल। अरे बचाओ। वेल डन। सर आप हमको मौका दिए, भरोसा किया हम पर। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस सर इतना बोल दिया आप, सीना चौड़ा हो गया हमारा। वो लड़की कहाँ है? वहीं है अभी, भवानीपुर में। बुलवा लो उसको रातों रात। ठीक है, मगर हमारा बेटा को हाथ नहीं लगना चाहिए। दिमाग ठंडा करो साधु और काम का बात करो। कीमत बोलिए और हमारे बेटे को बाइज्जत घर भिजवाइए। नमस्ते, हम डीआईजी वर्मा, बस आपसे पूछने चले आए, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? जी नहीं, ठीक है सब, बस बेटी का पता नहीं चला अब तक। मिल जाएगी वो, थोड़ा बस आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी हम, वो ठीक लोग नहीं है साधु और सुंदर यादव, तुम अपना केस वापस ले लो, बेटी आ जाएगी तुम्हारे पास। डीआईजी साहब, हम 3 महीने जिस नरक से गुजरे हैं उसका अंदाजा है आपको? अब अगर बेटी लौट भी आती है तो का उसका भविष्य होगा, सोच सकते हैं आप? कभी नहीं बख्शेंगे हम उस शैतान को। तो क्या कर लोगे उसका? जिस अमित कुमार एसपी के बल पर तुम उछल रही हो उसका तो ट्रांसफर हो जाएगा, और सुंदर यादव आज न कल उसकी जमानत होनी है, फिर बेटी तो जा चुकी, अब बेटा भी परवान चढ़ जाएगा। अब इस तरह बात क्यों कर रहे हैं हमारी माँ से? कैसे नहीं बोलते इनको बोले जाने के लिए माँ? बेटी की खैरियत चाहती हो तो बदल दो अपना बयान, नजर रखो उसके बेटे पर। डिमांड एप्लीकेशन देख ली? हाँ, दाखिल हो गया कोर्ट में, सब ठीक है। आइए। हमसे जो टकराएगा। हाँ हाँ बेटा। सुंदर भैया जिंदाबाद, सुंदर भैया जिंदाबाद। ये क्या है? योर ऑनर, अभियुक्त सुंदर यादव के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। भैरवगंज पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 37/98 में 307, 147, 148 और 149 में। योर ऑनर, ये सभी मामले बेबुनियाद हैं, आज तक किसी केस में चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। पुलिस सभी मामलों में इन्वेस्टिगेट कर रही है। योर ऑनर, 12 मामले दर्ज हैं सुंदर यादव पर और सभी इन्वेस्टिगेशन में हैं। चार चार पांच पांच सालों में जब आपने इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया है तो आप क्या कर लेंगे? आज किस मामले में हाजिर किया है? योर ऑनर, तेजपुर कोतवाली में दर्ज सीआर नंबर 63/2002 363-376 का केस है सर। अपूर्वा कुमारी नामक नाबालिग लड़की को अगवा करके
उसके साथ जबरन बलात्कार करने का आरोप है योर ऑनर। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। पुलिस के रिकॉर्ड में घटना की तारीख का कोई जिक्र नहीं है। अपूर्वा कुमारी नाम की लड़की जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गुजरात में रहती है। उसकी माँ ने खुद इस बात को माना है योर ऑनर। घटना की तारीख और FIR में फर्क हो सकता है योर ऑनर। अगर सुंदर यादव एक कुख्यात अपराधी है। चिंता मत कीजिए सेठाई, बेटी आ गई ना, बेटवा भी हमारे सेफ कस्टडी में है। सरासर मनगढ़ंत आरोप है योर ऑनर। पुलिस के पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, और 3 महीना पहले का तारीख बता रहे हैं। FIR कब दर्ज हुआ है? लड़की की माँ यही है। योर ऑनर, FIR 23 मई को दर्ज हुआ है और अपूर्वा की माँ यही है। सर वो लड़की भी आ गई सर। कौन लड़की? अपूर्वा सर, इनकी बेटी यही बैठी है। ये FIR आपने लिखवाया है? योर ऑनर, इनसे पूछा जाए कि इनकी बेटी कहां है। कहां है आपकी बेटी? जस्ट साहब को बताइए, कहां गई आपकी बेटी, कहां है वो? कहीं नहीं गई हमारी बेटी जज साहब, वो यही है। तो फिर ये कंप्लेन, ये FIR, बोलिए। देखिए आप कोर्ट का टाइम खराब कर रही हैं। आप डरिए मत, आपकी बेटी वापस आ गई है। तब भी आप सच बताएं कोर्ट को। अगर इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद भी आप पुलिस की मदद नहीं करेंगी तो पुलिस का भी लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। देखिए, हमको कुछ नहीं कहना है SP साहब। कहीं नहीं गई हमारी बेटी, हम कोई कंप्लेन नहीं किए, बस हमको छोड़ दीजिए। योर ऑनर, SP अमित कुमार को रोका जाए, वो इनको उकसा रहे हैं कि वो गलत बयान करें। इनको कोई हक नहीं अपने पावर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं योर ऑनर। अगर ये अपने आरोपों से मुकर गई तो पुलिस अपराधी को सजा कैसे दिलवा पाएगी? मैं सिर्फ इनसे सच कहने के लिए कह रहा हूँ। सच तो यह है SP साहब कि आप जिस दिन से तेजपुर आए हैं उसी दिन से पता नहीं किन व्यक्तिगत कारणों से हमारे मुवक्किल सुंदर यादव के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। झूठी कंप्लेन, जबरन FIR दर्ज करके परेशान कर रहे हैं। ये बात सरासर गलत है योर ऑनर। पुलिस बस अपना काम। गलत और सही क्या है मिस्टर अमित कुमार, वो मैं देख रहा हूँ। फिलहाल कोर्ट के कामकाज को अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आप पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगाऊंगा। I apologize, Your Honor. You better do. बेबुनियाद आरोपों के तहत लोगों को गिरफ्तार करने और इस तरह से कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मैं पुलिस को वार्न करता हूं। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। यस Your Honor. आरोपी निर्दोष है, बाइज्जत बरी किया जाता है। ऑर्डर कीजिए सुंदर भैया, यही चटका देते हैं साले को। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तेरा नाम रहेगा, सुंदर भैया जिंदाबाद, हमसे जो टकराएगा सुंदर भैया जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तेरा नाम रहेगा, सुंदर भैया जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रणाम सासू। अरे आप तो अभी से ही रोने धोने लगे। अरे अभी तो बेटी विदा भी नहीं हुई है। देखिए संभाल के रखिएगा हमारी जान को है, हम जल्दी आएंगे। चलता हूं। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बना के रखना। इस तरह स्कूली बच्चों के गैंग की तरह उत्तेजित होकर आप ये तमाशा करेंगे तो बस हो चुका। मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी इस एक्शन की, क्या मिला आपको? बड़ी अदालत में पुलिस की मट्टी पलीत हो गई। अरे हम बैठे हैं डिविजनल हेडक्वार्टर में
हमसे पूछिए किसको पकड़ना है, क्या एक्शन देना है। मंत्री जी ने पब्लिक के सामने पीट कर ठोक दिया, आप शेयर बन गए, उनका क्या, वाह वाह लूट के चले गए, यहां हम लोग को भुगतना पड़ता है। बी केयरफुल इन फ्यूचर मिस्टर अमित कुमार। सुनो अब बस भी करो अमित। तीन बार खाना गर्म हो चुका है अमित। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ये क्या हो रहा है अमित, अब खाने से क्या दुश्मनी? दुश्मनी किससे दुश्मनी कर रहा हूं मैं? तुमसे, इस घर से, समाज से, उस मां बेटी से या अपने डिपार्टमेंट से? किसे? डैम इट, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, दुश्मन तो समाज खुद है अपना। क्रिमिनल्स ब्लडी ऑल ऑफ देम, डरपोक नपुंसक साले। वो डीआईजी वर्मा कहता है प्यार मोहब्बत से काम चला, विधवा के घर जाके डराता है उसको। साधु यादव का नौकर साला कहता है प्रैक्टिकल बनो। किस दुश्मनी की बात करती हो तुम? जल्दी लाल चौक पहुंचे, कुछ डिस्टरबेंस है, ओवर। हाँ कंट्रोल रूम, सब इंस्पेक्टर पांडे लाइन पर हैं, मैसेज मिल गया है, लाल चौक पहुंच रहे हैं, ओवर। अभी अभी मुन्ना ठाकुर, केसरी दलाल और साधु यादव के आदमी लोग लाल चौक की तरफ निकले हैं, ओवर। डायरी में ट्रिक ले सर? नहीं,
सर ने तो सालों को सुबह देखेंगे सर। बोला थारे कचहरी में मादर जात वही जो तुम सुना था रे नमक हराम। बच्चा यादव याद रखना चुप रह मादर जात। मादर जात तेरा काली किसको देता है अबे आग किसको दिखाता है बेब भर जा पति लगा खोल सालो खोल दरवाजा खोल सालो खोल खोल तेरी बाहर सालो को सजा दीवार पर मादर जात तो क्या करेगा? अरे फूर्द साले का नाराय का आँख ना करेगा पता? आँख दिखाता है मादर जात थोड़ी डालूंगा साला आँख दिखाता है बोल बोल जाप से चला डालूंगा साले को। इका है गंगा जल साला पवित्र कर देंगे आज तेजपुर को। दबास साले को इतने दहशत में है दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं बयान नहीं दे सके। नुकीला हथियार से आंख फोड़ के एसिड से जला दिया गया है। किसने किया ये? कोई बोल नहीं रहा सर। मुझे नाम चाहिए। तुम्हारी चुप्पी नहीं। I am not going to tolerate this. जिस किसी ने भी किया हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will take action. Understand? पुलिस के किन अफसरों का काम है ये? रुकिए आप लोग, रुक जाइए, रुकिए। आप बिना कुछ बोले ऐसे नहीं जा सकते सर। आपकी जिम्मेवारी है, जवाब देना होगा आपको। क्या जवाब चाहिए आपको? सर कल रात लाल चौक में आपने जो सलूक मुन्ना ठाकुर और केसरी दलाल के साथ किया उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा मत लगाइए। जो कुछ हुआ उसकी जांच चल रही है। सही जवाब मिलेगा आपको। तुमरे थाने में यह कांड हुआ है तिवारी, अच्छा नहीं हुआ। सुंदर भाई ड्यूटी से ऑफ हो गए थे हम। बस इतना बता दे इसमें कौन कौन था। हम लोग नहीं थे साधु बाबा,
लॉकअप में 12 कैदी और भी था। रात को आपस में झगड़ा हो गया, बिजली भी कट गया था, उसी में ना जाने कैसे सब। तिवारी चौंधर समझाएगा हमको, देख हमारा खून खोल रहा है, तू बस इतना बोल दे वहां बच्चा यादव था कि नहीं। डरता का है तिवारी, हम हैं ना, हम में से कोई नहीं था। बकरे का मां कब तक खैर बनाएगा तिवारी? मुन्ना और केसरी होश में आके बयान देगा उसी दिन तक। जवान खोला ना तो काट के रख देंगे। धोखा दिखा रहे, कहां दिखा रहे साला? कुछ नहीं देखा सरकार, कुछ नहीं देखा साला। और तू आवाज ना निकलिया, आवाज ना निकलिया, तू बोलता का नहीं रे मादर जात, मुंह में धक्के आएगा। मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे साहब। छोड़ दो से तिवारी, पेट का पकाई काली पहलवान। अरे ये नहीं बोलेगा साला, कोई और बोल देगा। हट, कोई नहीं बोलेगा साला। हमरा नौकरी पर खतरा हुआ ना तो गोराम मचा के रख देंगे हम, याद रखना तुम लोग। एक बात नोटिस किया आप लोग, आज पूरा दिन तेजपुर कोतवाली में एक भी FIR नहीं लिखाया है। साला कोई वारदात नहीं। कैसे होगा हजूर, गंगा जल के डर से साला सब लोग का फट गया है। बस भाई मुंह ना खुले, याद रखना। रहेगा हजूर, कल रात का खेला मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हाँ मानता हूँ राजगढ़िया जी अपराध कम हुए हैं, लेकिन ये कहाँ का कायदा है कि पुलिस हिरासत में लोगों की आंख फोड़ दी जाए? काहे, चोर का हाथ काट देने का कानून नहीं है कितना देश में? भाई साहब बिल्कुल करेक्ट हो रहा है तेजपुर में, और अब बस यही होगा यहाँ। तेजपुर का अंधा कानून, लगता है रविदास शहीद होने का फुल माइंड बना चुका है। तो देख क्या रहे हो तुम लोग, लग रहे मुझसे। बेटा कुसमी, हम शाहपुर मस्जिद के इमाम का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। निकल बाहर, बाहर आ रहा है तेजपुर एक्सप्रेस। अरे तुम पागल बन रहा है, खोल दरवाजा। तुम लोगों, अरे इसको तो छोड़ना नहीं आज। हम देखते हैं, खोल दरवाजा। अरे समझता क्या है अपने आप को, मरेगा साला। निकल बाहर, अगला गया ये सब बाहर, खोल दरवाजा। अफवाह फैला रहे हो संपादक, बहुत भारी पड़ेगा तुमको ये। अफवाह? हम कहां तो इका रामायण लिख रहे हैं। अरे पहला टाइम पुलिस ने सही काम किया है, उसमें भी आपको तकलीफ होने लगा। भाइयों हम अखबार निकालते हैं आप ही लोग के लिए, अगर आपको खबर पर कोई आपत्ति है तो उसे बोलिए, हम लोग उसे भी छापेंगे। लेकिन सही खबर छापना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी। आप उसे कैसे दबा सकते हैं? बिल्कुल दबा देंगे संपादक जी, अगर दोबारा आपने अमित कुमार जी के खिलाफ कुछ भी लिखा तो न रहेंगे आप, न रहेगा आपका अखबार। ये तो सरासर ज्यादती है भाई। और ये उल्टा सीधा खबर छापना बिना मतलब के पुलिस पर इल्जाम लगाना, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? आप अपने फादर से काहे नहीं कहते चुप रहने के लिए? रविदास से बन जाओ क्या सूरदास? कोतवाली में इन दोनों का आंख फोड़ दिया तो क्या हो गया चौधरी जी? चोरी, डकैती, मर्डर, अरे तबाह करके रख दिया इलाका को इन लोग ने। बेकार इतना माइंड लगा रहे हैं आप भी, क्रिमिनल है साला दोनों, थाना कचहरी से कुछ नहीं होगा, इसका फैसला यहीं कीजिए चौधरी जी। अरे समझते कहीं नहीं आप लोग, साहब हमारा नौकरी खा जाएंगे। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? तेजपुर में सुने नहीं आप, दादू यादव तक का हवा टाइट हो गया है। अब लेट मत कीजिए चौधरी जी, ए लाओ दोनों को बाहर। अरे बाहर कहलाते हैं सर, नहीं तो चौधरी Yeah.
दिल के कॉलेज में नाम लिखवा ले रानी, रातें भर में डिग्री दिलवा देंगे। नेता हाथ छोड़ लड़की का। छोड़ो। तो कुछ बोला क्या नेता? नेता कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पकड़ो सालों को, फोड़ दो सबको। माफी मांगते हैं सर, गलती से आपकी मैडम का एक्सीडेंट हुआ। आपको जो करना है कर लीजिए सर, चाहे हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, मगर तेजपुर में अब यही होगा। कोई हमारी बहन पर आंख उठाकर देखेगा उसको बस एक ही जवाब मिलेगा, गंगा जल। साहब का गाड़ी निकला है। कहाँ बोलते हो, यहाँ कहीं नहीं रुके? अब कहाँ मालूम, मगर साहब खुद ही बैठे थे। लगता है कोई नया फताने वाला। शंकर टोपी लगाए जल्दी, ये गाड़ी निकल, ये शॉर्टकट से ले जल्दी साहब से पहले। पकड़ो तुम लोगों, साहब के हाथ नहीं आना चाहिए। भगाइए भगाइए, घरवाली है ये। हम लोग कुछ नहीं किए साहब। इनसे कहिए कि रोना धोना बंद करें और पूछो कहाँ है वो लोग। जल्दी चल, क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमको। उठ, अरे भगाइए तो भगाओ, मालूम नहीं यहाँ से भगाइए, चलिए। के सामने मुंह खुला तो साला पूरा खानदान को जिंदा कर दे, समझा कि नहीं? सर, सर आप क्या बात है सर? आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है सर, आप थाने जाइए, बाद में बात करूंगा आपसे। जी सर, चल। अरे क्या हुआ? सर इसी से पूछ लीजिएगा, इसका घरवाली है ये। अरे कब बोलेगी एसपी साहब, हमसे पूछिए राक्षस लोग का खेला। इसको देख रहे हैं, पसूरिया है ये,
हमारी बेटी। ए, कौन है, कहाँ बोल रही है? चुप साला, हरामी का जना। अरे साहब के सामने तमीज से बात कर। आज तमीज सिखा रहे हैं सिपाही जी। उस दिन कहाँ थे जब हम इसका शादी किए थे? एक अंडा तक झाड़ने नहीं आया था थाना पर से। साहब हम जैसे तैसे इसका शादी करवाए, बारात विदा किए, जाने कहां से इस पापी को खबर हो गया और बीच रास्ता में गाड़ी रोक के सात बाराती को काट दिया और हमरा दामाद को सड़क में खूंटा ठोक के हाथ पैर बांध दिया और हमरी फूल सी बेटी को सबका सामने नाश कर दिया। वही गाड़ी हमरा दामाद की देह पर चढ़ा दिया इस पापी ने। सरासर झूठ बोल रही है साहब। एकदम इंसाफ हुआ इसके साथ साहब, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा इस पापी को। किसने किया आप लोगों के साथ ये? बोलते क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं किया हजूर, ये तो पहले से अंधा है। जीप में डालकर तेजपुर ले चलो, वहीं बात करेंगे। जी हुजूर। चल चलो, हम लोग कुछ नहीं किए साहब। साहब हम लोग कुछ नहीं किए साहब। काहे फिक्र करते हैं चौधरी जी, शिकारपुर का एक एक बच्चा आपके साथ रहेगा। पता चला अमित, कुछ पता चला? क्या पता चला? यही कि किसने उन दोनों की आंखें फोड़ के ऐसे से जला दिया। इसकी जांच कर रहा हूं मैं। हाँ जांच कर रहा हूं, बट हाउ कैन दे डू दिस? तुम्हारी पुलिस जो चाहे कर सकती है, जानवर भी नहीं करते ऐसा। तो अनुराधा समझने की कोशिश करो, जिनके साथ यह हादसा हुआ वो क्रिमिनल्स हैं, हत्या बलात्कार डाका उनका पेशा है। ओ, तो इसलिए उनको आरोपियों की आंखें फोड़ देने का अधिकार मिल जाता है। वाह। स्टॉप इट अनुराधा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है। जो कुछ उन लोगों ने किया गलत है और उसकी सजा उन्हें मिलेगी। क्या एक्शन ले रहे तुम? क्या करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सच्चाई सामने आ जाएगी। मुन्ना ठाकुर और केसी दलाल ने अपना बयान दे दिया है, आप सब पर कांड में शामिल होने का आरोप है। मैं एक्शन लूंगा, कुछ कहना है आप लोगों को? बोलते क्यों नहीं आप लोग? नहीं सर, हमें कुछ नहीं कहना। और चौधरी, आपकी मौजूदगी में शिकारपुर में यह कांड हुआ? नहीं सर, FIR बुक देख लिया जाए सर, कोई एंट्री नहीं उन लोगों का। सर आप तो खुद फुल इंक्वायरी की थे सर, सर हम पर कोई आरोप नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। नो सर, सर बैन ले लिया जाए पूरा पूरा शिकारपुर का सर। और आपने भी अपनी स्टेटमेंट में यही लिखा है कि मुन्ना और केसरी उस रात कोतवाली में थे ही नहीं। सर आपने तो डायरी में एंट्री करने से मना किया था और इसीलिए तुम लोगों ने उन्हें अंधा कर दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम लोगों में? अपराध किया आप लोगों ने और अब कायरों की तरह झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद इंक्वायरी करूंगा और इसके बेसिस पे आप लोगों पे मुकदमा भी चलेगा। Only God can help you now। कुत्ता का जिंदगी है साला, शर्म और जिल्लत से भरा हुआ। कुछ ना कीजिए तो पब्लिक मारे, कुछ कीजिए तो साहब मारे। हमसे ज्यादा इज्जत तो क्रिमिनल का है, इतना सवाल जवाब नहीं है। वही तो साला समझ में नहीं आ रहा है, हमारे थाना में ही कांड हो गया। हम तो क्या हुआ, काहे नर्वस हो रहे हो तिवारी? अरे हम कहते हैं तुम लोग सब बैक हो जाओ, हम ले लेंगे टोटल जिम्मेवारी अपना ऊपर। क्या करेंगे साहब, सस्पेंड करेंगे ना? अच्छा होगा साला, अब बर्दाश्त नहीं होता नपुंसक का जिंदगी। वाह क्या बात है, यही पुलिस मैदान में तुम्हारा नाम पर एक पत्थर गाड़ देंगे हम लोग, शहीद भोलानाथ पांडे। अरे काहे लगते हो घड़ी घड़ी गोवर्धन पहाड़ उठाने, फैसला कर चुके हम, स्टेटमेंट रेडी है, जा रहे हैं साहब की टेबल पर रखने। अरे मगर बच्चा अकेले तुम कहे? तिवारी इसीलिए कर रहे हैं कि साला फोड़ा तो हम नहीं था और एक तनिक अफसोस नहीं है हमको जो भी किया, सबके लिए लिख दिए हैं। बच्चा बच्चा जल्दबाजी में बस खान, फैसला कर चुके हम, अब जो होगा सो देखा जाएगा। माइंड खराब हो गया इसका?
क्या बात है? फोन का नहीं उठा रहे थे? बबुआ कहाँ है? बाबूजी! तुम्हारे बाबूजी आ गए हैं? अरे छोड़ बाबूजी! हाँ। अरे धोखा दिया हमारे साथ, कि हमारे साथ ऐसा बोल बोले थे ना माधर जात, कुत्ता का मौत मारेंगे। हक के बदले हक। सारी ताकत लगा दो, बचना नहीं चाहिए इस बार। बोल माधर जात, कहाँ है सुंदर? हमको नहीं मालूम। बोल सर, आप हमको नहीं मालूम सर। बोल Thank you.
सर पूरा सर्च कर लिया है सर, क्या नहीं आया वो जाएगा साला का, उसके एक एक आदमी को बाहर खींच के निकालो। जी सर। आई वॉन्ट द ब्लड, सॉरी नीचे, और उसके चारों साथी भी। बकवास बंद करो भूरेलाल, कर क्या रहे थे तुम लोग? सर लगातार हम लोग उसके लिए छापा तो मार ही रहे हैं, कोशिश तो कर ही नहीं सर, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा कि अभी तक ना सुंदर यादव का पता चला ना उसके चार साथियों का? जाओ अभी और इसी वक्त साधु यादव को उठा के लाओ, अब वो ही बताएगा। जी वो सुना नहीं आपने? आई वॉन्ट इन द हेडक्वार्टर्स राइट नाउ। सर मत अंदर आओ, बहुत धुआं है। क्या हो रहा है अमित? तुम चलो मुझे बहुत काम है। हाँ बोलो। चूड़ियां पहन रखी है क्या? रगड़ते रहो सालों को जब तक मुंह ना खोले, इतना मारो कि बर्बाद हो जाए। मुझे बच्चा यादव के हथियारों का पता चाहिए, होश मिला और फिर मारो। सर तुम्हारी औकात नहीं है इस पत्ती के लायक, अंदर लाओ इसे। सर कहाँ है सुंदर? सुंदर कहाँ है? और इन चारों को तुमने कहाँ छुपा रखा है? इन लोग का छुपी का खेल तुम लोग करते हो एसपी, हम सब कुछ सीना ठोक के करते हैं। हिम्मत तो अरेस्ट कीजिए, साधु डरने वाला नहीं। अभी तक तुमने डर देखा ही कहां है साधु? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुंदर सामने नहीं आया तो वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल से भी डरने लगोगे। क्या कर लीजिएगा, हमारा आग फोड़ दीजिएगा, मार दीजिएगा हमको? इतनी आसानी से मुक्ति मिलने वाली नहीं है साधु यादव, याद रखना 24 घंटे। बेटे का अगर बाल भी बांका हुआ ना तो भूकंप हो जाएगा तेजपुर में डीआईजी साहब। नादानी मत करो साधु, अगर अमित कुमार के हाथ लग गया सुंदर तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो बताया वो करो, कोर्ट में सरेंडर करवा के जमानत ले लो, 50 लाख पहुंचा दो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। 50 लाख? अरे 1 करोड़ मांगता था, बहुत कैसे सुन के आधा करवाए। 50% पहुंचाना चाहिए 8 बजे से पहले, बाकी हमारे पास भिजवा दो। ऐसा तो हम पहुंचा ही देंगे डीआईजी साहब, मगर याद रहे हमारे बेटे का जमानत नहीं रुकना चाहिए। एक बेर सुंदर का जमानत हो जाए ना वर्मा जी, फिर देखते हैं आपके इस पागल एसपी को हम। तुम पैसे का इंतजाम करो, फोन कर देना हमको। का टाइम बोला था? निकल चुका है वो घर से, पहुंचता ही होगा। मादर जात भाव खाने लग। का बात है साधु बाबा, सब कुशल? कुशल मंगल छोड़ो सेठ, टाइम कम है, तुम फौरन 25 लाख डिस्ट्रिक्ट जज के एडवांस पहुंचा दो। 25 लाख? साधु बाबा अभी इस टाइम में? सवेरे 7 बजे से पहले उनका ब्रेकफास्ट टेबल पर होना चाहिए, हम बाकी का इंतजाम करने जा रहे हैं। मुश्किल है साधु बाबा,
हमसे नहीं हो पाएगा इस टाइम में। क्या बोला? बेटा का सवाल है हमरा, चीर के रख देंगे सेठ। 25 लाख, डिस्ट्रिक्ट जज 7 बजे से पहले। ओके। ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। हाँ। लेट हो रहा है। हाँ ना, कहाँ रह गया ये? चाय चाय। आओ, आओ। नंबर 160। थोड़ा टाइम बाद आवाज सुना। चलो इसे बात करते यहाँ हाजिर नहीं करे। मगर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा वो एसपी। अरे आप समझते क्या है मेरी? आप लोग हाथ फोड़ देगा सब। यादव जी, कोर्ट तभी कुछ कर सकता है जब मामला उसके सामने आए। ताला खोएगा वो, खोएगा। ताला, 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 ताला। नींद को तरस जाएगा तू मादर जात। Thank you.
पुलिस सुंदर यादव को 12-12 दिन की हिरासत में रख चुकी है योर ऑनर। ये कैसी जांच चल रही है जो खत्म ही नहीं हो रही है? चार्जशीट का कोई पता नहीं अब तक, ना कोई गवाह है ना कोई शिनाख्त है। मौका वारदात पे मौजूद चीजों की कोई लिस्ट तक पुलिस ने इस कोर्ट में जमा नहीं की है। मेरे क्लाइंट की हालत देखिए योर ऑनर, 7 बार स्टेटमेंट ले चुकी है पुलिस उसका, अब कुछ नहीं बचा है उसके पास कहने के लिए, कुछ नहीं। योर ऑनर, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। योर ऑनर, पुलिस कस्टडी में हमारे क्लाइंट को खतरा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इन दफाओं में जमानत नहीं हो सकती, आरोपी को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। और चार्जशीट जल्दी फाइल करें आप लोग। सर। ये मैं देखता हूँ। प्रणाम हुजूर। कैसे हैं आप लोग? माफ कर दीजिए आप हमको, इसी कचहरी में हम आपको झूठा बनाए थे। रोज हम माँ से बोलते थे कि चलो एसपी साहब से मिलने। कैसी बात करती हैं आप, मैं क्या आपकी मजबूरी नहीं समझता? इसके लिए कोई लड़का देगा? जल्दी शादी करा दो इसकी। छोड़िएगा नहीं साहब सुंदर यादव को। एसपी साहब जिंदाबाद, जयपुर पुलिस जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, जयपुर पुलिस जिंदाबाद, जयपुर पुलिस जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, जयपुर पुलिस जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद। कल स्कूल में काका पढ़ाया इंग्लिश, कौन सा लेसन हुआ? मानसी वो आ गया। मानसी जय हिंद। प्रणाम एसपी साहब, पान लिया जाए हुजूर, स्पेशल पेपरमेंट वाला है। मैं पान नहीं खाता। पान कहाँ है हुजूर, ये तो ठंडा ही है, माइंड फ्रेश कर देगा। लिया जाए हुजूर, जल्दी कर, साहब जा रहे हैं। जी। सर अपना मंगीराम का बच्चा है। ईमानदार चाय वाला सर, टेस्ट कीजिए ना, एकदम खांटी दूध में बनाए हैं सर, और पूरा बाजार में सबसे सस्ता में बेचते हैं सर। ये अपना नंबर 2 है सर, नंबर 1 गुड नाइट में आता है और नंबर 2 गुड मॉर्निंग में। टोटल फैमिली बिजनेस सर, ईमानदारी से मेहनत सर। तो फिर ये स्कूल कब जाते हैं? स्कूल क्या करेंगे जाके सर, पढ़ लिख गए तो फिर हाथ से काम भी नहीं करेंगे। आप चाय टेस्ट कीजिए ना सर। एक शर्त पे, अपने दोनों बच्चों को वापस स्कूल भेजो और तुम कल से लग जाओ ड्यूटी पे। सर अच्छी है। हमारे हाथ से बात निकल गया है, जल्दी कुछ कीजिए नहीं तो रिमांड का टाइम भी काटना मुश्किल होगा। सुने हैं गंगा जल का भी। ये देखिए कमाल करते हैं अभी डीआईजी साहब, इतना मोटा फाइल बना दिया और हमको खबर तक नहीं। सर सॉरी सर, लेकिन आपने शाबाशी दी थी तो उनको। अरे इसी बात का तो अफसोस हो गया है एसपी अमित कुमार, आप समझते कहां हैं अपने आप को? हमने आपको फ्री में जिला दे दिया, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के लिए आपका सिफारिश करवा दिया, और आप हमरा ही कुर्सी पर आफत लाने का प्रोग्राम बना दिए हैं। तेजपुर में जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है सर, लेकिन मैं एक एक घटना की जांच खुद कर रहा हूं। जल्दी यही तो
हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल मिस्टेक आप काहे कर रहे हैं। एक तो अपराध कम करने का आपका ये फॉर्मूला और ऊपर से ये जांच पड़ताल। अरे काहे कीचड़ में पत्थर मार रहे हैं, उड़ेगा तो कहां गिरेगा? बोलिए आपका क्या है? ज्यादा होगा तो ट्रांसफर, बर्बाद तो हो जाएंगे हम। अरे मंत्री जी बंद करिए अपना पॉलिटिक्स और हमारा काम कीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं भाई, देखिए फौरन ये जांच बंद कर दीजिए। अरे जब पब्लिक को कोई कंप्लेन नहीं है तो आप काहे को कड़ा मुर्दा उखाड़ रहे हैं? आप बस सुंदर यादव का जमानत करवाइए जी, काहे कि उसकी जिंदगी को बहुत डेंजर है, रोज आंख फोड़ने का धमकी दे रहे हैं ये लोग। अरे आप काहे बीच में बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए उसका जमानत करवाइए और हमको रिपोर्ट करिए। सुना नहीं आप, सुंदर का कल तारीख है, जमानत होना ही चाहिए। सॉरी सर, सुंदर यादव की जमानत नहीं हो सकती। काहे, का दिक्कत है? क्योंकि उसने इंस्पेक्टर बच्चा यादव का खून किया है। तो कीमत ले लो, बोलो क्या चाहिए। बच्चा यादव की कीमत देने की औकात तुम में नहीं है साधु यादव। वैसे तुमने मंत्री जी को क्या दिया है? मिस्टर अमित कुमार, सर प्लीज आप जो चाहें कर लें, लेकिन मेरे रहते सुंदर यादव की जमानत नहीं होगी। तू नहीं बचेगा एसपी। अरे बैठ जा, बैठ जाइए, बैठिए तो सर, बैठिए बैठिए, शर्मा जी बैठ जाइए। इट्स अ ब्लेटेंट केस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस मिनिस्टर। सिट डाउन जेंटलमैन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हम जानते हैं कि बहुत जाती हुई है तेजपुर की जनता के साथ, लेकिन अमित कुमार तो आपके चहेते ऑफिसर थे, आपने उनका नाम राष्ट्रपति मेडल के लिए भी भेजा है। देखिए हमें शांति व्यवस्था चाहिए, मगर इस कीमत पर नहीं। लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है? हम हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से निष्पक्ष जांच करवाएंगे। इस दरमियान उन सभी संदिग्ध 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और तेजपुर के एसपी अमित कुमार को तत्काल छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया गया है। कमीशन का रिपोर्ट 1 महीना का अंदर सरकार को जमा होगा। ये छुट्टी पे जाने का क्या मतलब? मतलब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता, समझो कि मैं ड्यूटी पे हुई नहीं। अब क्या होगा अमित? कुछ नहीं, कमीशन की इंक्वायरी बैठेगी, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और फिर चल पड़ेंगे यहाँ से। पुलिस की नौकरी में ही रहोगे? क्यों, डर लगता है? नहीं, अब नहीं। तो क्या? अब देखते हैं कौन बचाता है तुम लोग को। ए, दर 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 बचा, मार तलवार, मार। ये क्या? आओ देखते तो सलाह होना ही था। लिखते हैं खत खून से स्याही ना समझना, और इसी खून की कसम कि अगर किसी और के हाथ में अपूर्वा का हाथ देने की कोशिश की तो खानदान खत्म कर दूंगा। वो गाजियाबाद का बुढ़ा तेजपुर प्लेटफार्म पर जिंदा नहीं उतरेगा। अपूर्वा हमारी है, हमारी रहेगी। एक जेल तो क्या, 7 किले तोड़कर भी उठा ले जाऊंगा उसे। नाम याद रहे, सुंदर यादव। कोई पाप किए होंगे हम जो कोख से ही मुसीबत पैदा हुई, मर भी जाती तो संतोष कर लेते। अरे कोई अपनी बेटी को ऐसे कोसता है? बेटी क्या करें हम एसपी साहब, कितना मुश्किल से तो ये रिश्ता हुआ है, इज्जत खत्म हो गई बेटी की, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं। अभी आदमी मिला है तो
दो बच्चों का बाप है तो क्या हुआ? गाजियाबाद में दुकान है अपनी, अब इसका नसीब ही ऐसा है तो हम क्या करें? कोतवाली गई थी आप? अब कौन सुनेगा वहाँ, आप नहीं रहेंगे तो? ऐसी बात नहीं है, पुलिस करेगी अपना काम। करना नहीं, समझ गए? जी। सदर कोतवाली तेजपुर। ड्यूटी ऑफिसर कौन है? सब इंस्पेक्टर मंगनी राम सर। कैसे मंगनी? आपके बिना कैसे होंगे सर। अच्छा सुनो, मैंने फोन किया था, रूपमती जी की बेटी अपूर्वा की शादी है। हमको मालूम है सर। ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। नहीं टूटेगी सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। इस बाउंडर में मत फंसो तिवारी, इंक्वायरी कमीशन का मार बहुत तगड़ा होगा। इसीलिए तो आए हैं आपके पास, कैसे भी कटवाइए हमारा नाम रिपोर्ट में से। चलो दक्षिणाले के डीआईजी साहब के पास, वे कलम चलाएंगे तो कुछ होगा। हम आपको नहीं जाने देंगे साहब, आंदोलन हो जाएगा, चक्का जाम कर देंगे। सरकार का फैसला गलत है, उसको बदलना होगा। पब्लिक अब जाग गया है सर, टोटल सपोर्ट मिलेगा आपको। आप भी बस आंख मूंद के सपोर्ट कीजिए। अमित कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 जानी जानी सब ठीक होगा ना? रामरथ सिंह, निर्दोष। जानी की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अमित कुमार, क्या आप अपने ऊपर लगाए आरोप स्वीकार करते हैं? यस योर ऑनर, मैं आरोप स्वीकार करता हूँ। क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? यस योर ऑनर, तेजपुर का सुप्रिंटेंडेंट होने के नाते यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मिस्टर अमित कुमार, आप अपने बचाव के लिए किसी वकील को रखना चाहेंगे? नो योर ऑनर, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं। आप लोग अपने जवाब वगैरह फाइल करें, सुनवाई जारी रहेगी। सर सर, हम लोगों को आपसे कुछ बात करनी है सर। सर सर सर, हम लोगों का लाइफ का सवाल है सर। कोई फायदा नहीं पांडे, तुम लोगों को जो ठीक लगे करो, मेरा इरादा नहीं बदलेगा।
तो चिंता क्यों करते हैं? एक उनके मानने से कुछ नहीं होगा, एक भी गवाह नहीं मिलेगा और कुछ भी साबित नहीं होगा। आ गए? अरे बेटा, आज हम तुमको लेके ही जाएंगे। क्या बात है, तू खुश नहीं? उसका शादी है आज, और बाबूजी अगर आज हमारा जमानत ना हुआ ना तो हम जेल तोड़ डालेंगे। अरे आज कोई नहीं रोकने वाला तुम्हारा जमानत। प्रणम्य शीर्षां देवं गौड़ीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं चायकदंतं विराक्षं गजवकां चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चतुर्थकं। सुंदर यादव, हमारे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकते। चुप साला, हटो सामने से, नहीं तो अब भी सस्पेंड कर देंगे। पूंछ के रख देंगे अगर कोई हिला तो। अरे पंडा, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इंतजार नहीं कर सकती थी बहुत जल्दी पड़ी शादी करने की? हाँ चलो। अरे कोई बचाओ, हट दे मेरी दीदी को। हट माँ, छोड़ दे मेरी दीदी को। छोड़ दे मेरी दीदी को। सर, सर मंगनी यहां बोल रहा हूँ, सुंदर यादव यहाँ आ गया है, आप आ जाइए सर। अरे मंगनी, यहाँ क्या कर रहा है? सर जुलूम हो गया, सुंदर यादव लड़की को अगवा कर रहा है, आप चलिए सर। तुम काहे परेशान हो रहा है? तुमको तो लाल चौक पे ड्यूटी पे भेजा था। उसको बचा लीजिए डीएसपी साहब। तू चिंता मत कर, तू यहाँ से निकल, तुम्हारा हिस्सा तुमको पहुंच जाएगा। आगे मत बढ़ो कोई भी। बचपना छोड़ मंगनी, पागल मत बन। बस कीजिए डीएसपी साहब, डायन भी एक घर छोड़ती है अब तो। ए मंगनी, सब बर्बाद कर दिया तू। हड़िया सब लोग, हड़िया सब लोग। बाबूजी, बेटा तू सिद्ध मत कर, अब का बचा है? चल यहां से, तू चल यहां से। Thank you.
ले जाओ इनको। इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है एसपी साहब, इनका फैसला यही होगा। अब बस हम लोग पर छोड़ दीजिए हुजूर। आज इन दोनों का लीला यही खत्म कर देंगे, आग फोड़ देंगे साला दोनों का। पागल हो गए हम लोग, और आज इसी गंगा जल से पवित्र कर देंगे तेजपुर को। बीमार है आप लोग जो इस तेजाब को गंगा जल के नाम देकर उसकी पवित्रता को कलंकित करते हैं। सभ्य समाज की मर्यादा और अपनी इंसानियत को जला चुके हैं आप लोग इस तेजाब की लपट में। क्या समझते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, पवित्र हो जाएगी तेजपुर की धरती? जो भी हो आज नहीं छोड़ना है इनको। होश में आइए, ये मत भूलिए कि हमारी गिरफ्त में आए हुए अपराधियों को सही सलामत कानून के दरवाजे तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। सर किसकी सलामती की बात करें आप, बच्चा यादव का खून जैसे दरिंदे हैं ये, इनको बचाइए आप। खान मैं इनको नहीं समाज को दरिंदा होने से बचा रहा हूँ। आंखें फोड़ कर तेजाब से जला देने का नियम नहीं है हमारे समाज में। मगर हमारे नियम कानून में कोई पावर नहीं है हुजूर, छूट जाएंगे ये लोग कोर्ट के जरिए से। कानून कमजोर नहीं है बंसी, कमजोर है हम। अपनी खुदगर्जी में हमने उसे निकम्मा बना दिया है, वरना लगातार कानून और समाज की बेइज्जती करने वाले घूसखोरों, काला बाजारियों और आतंक के बल पे लूटने वालों को आप अपना हीरो, अपना लीडर नहीं बनाते। और याद रखना, समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा कि समाज खुद होता है। खाकी वर्दी के अंदर का आदमी भी आप ही के बीच का है, खुदगर्ज और कमजोर। उसी कमजोरी को तो दूर करना है एसपी साहब। आज जब तेजपुर के लोगों ने बाप बेटे का फैसला कर लिया तो आप कहां आते बीच में? क्योंकि आपका फैसला गलत है। इंसानियत और कानून को ताक पर रखकर अगर आतंक के सहारे आप लोग अपना फैसला करेंगे तो ये तानाशाही होगी। बात अपराधियों की आंख फोड़कर उन्हें अंधा कर देने पर नहीं रुकेगी। कल आपकी खिलाफत में उठने वाली हर सही आवाज को भी घोट दिया जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अपराधी मेरी हिरासत में आए और इनके साथ मैं वही सलूक करूंगा जो कानून के मुताबिक होगा। अगर किसी ने मुझे अपनी ड्यूटी करने से रोका तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। हट जाओ सामने से, नहीं तो काट के रख देंगे।
कमीशन की लंबी इंक्वायरी और सैकड़ों गवाहों के बयानात का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। अंत में सभी आरोपित पुलिसकर्मी बरी और बहाल हुए। तेजपुर की जनता का सच चाहे जो भी हो, अमित कुमार अपना सच जानते थे, उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। Oh,